तो आईएसएल सीजन 9 के लिए गाइस नॉर्थ ईस्ट टोरंटो एफसी का सारे ही फॉरेन प्लेयर हो चुका है कंफर्म, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं टू टाइम डेनिश चैंपियन, टू टाइम ऑस्ट्रेलियन कप विनर और फॉर्मर डेनिश इंटरनेशनल सेंट्रल डिफेंडर माइकल जैकोबसेन के बारे में, जिन्होंने पीएसवी जैसे क्लबों की ओर से अपना करियर शुरू किया था। उसके बाद डेनिश फास्टर लीग में एफसी कोपेनहेगन और यूडी अल्मेरिया जैसे स्पेनिश क्लबों के लिए ला लीगा के अंदर खेला है। यूएफए चैंपियंस लीग में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लबों के अगेंस्ट इनका एक गोल है। इंटरनेशनल यूथ लेवल पर इन्होंने डेनिश टीम को अंडर 16 से लेकर अंडर 21 तक रिप्रेजेंट किया था। 2002 में डेनमार्क का अंडर 17 प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुका है। डेनमार्क सीनियर टीम के लिए भी गए इनके 6 इंटरनेशनल फ्रेंडलीज और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अपीयरेंस है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ए लीग में भी इन्होंने मेलबोर्न सिटी एंड एडिलेड यूनाइटेड जैसे क्लबों के लिए खेला है। तो माइकल जैकोबसेन गाइस एक अच्छा लीडरशिप एबिलिटी लेकर आते हैं और मेरे ख्याल से आने वाले सीजन में ये नॉर्थ ईस्ट टोरंटो एफसी का कैप्टन भी बन सकते हैं। उसके बाद गाइस जो एशियन साइनिंग है नॉर्थ ईस्ट टोरंटो एफसी का, वो है एक 27 ईयर्स ओल्ड ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल डिफेंडर एरन एवांस। इंटरनेशनल यूथ लेवल पर ये ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट कर चुका है। पीएसए मकसर, पीएसए स्लेमन, पीएस बेरिटो एंड पारसी सोलो जैसे क्लबों के लिए इन्होंने इंडोनेशियन फास्टर लीग में 124 मैचेस खेला है, जहां पर इनका 3 असिस्ट के साथ 6 गोल भी है। हांगकांग प्रीमियर लीग में भी इन्होंने खेला है ताइपो एफसी के लिए। इसके अलावा लाओस एंड थाईलैंड के अंदर भी इन्होंने अपना क्लब फुटबॉल खेल चुका है। फॉरनर नंबर 3, 31 ईयर्स ओल्ड एक स्पेनिश डिफेंसिव मिडफील्डर यॉन गजेतनागा, जो कि एक रियल सोसाइडेड यूथ प्रोडक्ट है। रियल सोसाइडेड का मेन टीम के लिए भी इन्होंने ला लीगा के अंदर खेला है। स्पेनिश अंडर 17 टीम को भी इन्होंने इंटरनेशनल यूथ लेवल पर रिप्रेजेंट किया था। सीडी नुमानसिया, पोनफेरांडिना, जिम्नास्टिक टारागोना एंड सीवाडी लियोनेसा जैसे क्लबों के लिए इन्होंने ला लीगा 2 और स्पेनिश थर्ड टायर लीग के अंदर भी खेल चुका है। साथ में गाइस रोमानिया और साइप्रस टॉप डिविजन लीग के अंदर भी इन्होंने खेला है। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं बाकी के 3 फॉरेनर के बारे में। बट फर्स्ट वन मोर थिंग, देन वी स्टार्ट द वीडियो। सो वन फुटबॉल इज एन एप्लीकेशन वेयर यू कैन गेट ऑल न्यूज अबाउट योर फेवरेट नेशनल टीम एंड फेवरेट क्लब, वॉच लाइव टेलीकास्ट एंड हाइलाइट्स ऑफ ऑल मैचेस अलोंग विद वर्ल्ड एंड यूरोपियन फुटबॉल। यू विल ऑल्सो गेट इंडियन फुटबॉल न्यूज एंड ट्रांसफर अपडेट्स। ऑल्सो हेयर यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट फुटबॉलर, मैच रिजल्ट्स एंड लाइव स्कोर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, देन डेफिनेटली डाउनलोड द वन फुटबॉल एप्लीकेशन फॉर फ्री। लिंक इज इन अ डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल एप्लीकेशन। द नेक्स्ट वन गाइस इज ए 34 ईयर्स ओल्ड फ्रेंच मिडफील्डर रोमेन फिलिपो थियोक्स। इन्होंने अपना क्लब करियर सिर्फ फ्रांस में ही बिताया है। पहली बार फ्रांस से बाहर निकला और सीधा इंडिया पहुंचे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में खेलने के लिए। तो रोमेन फिलिपो थियोक्स लीग वन के अंदर गाइस ये काफी सक्सेसफुल रह चुका है, जहां इनके 124 मैचों में 9 असिस्ट के साथ 11 गोल भी है। लीग टू में भी इनके 24 असिस्ट एंड 35 गोल है। फ्रेंच डोमेस्टिक कप के अंदर भी खेला है और ये गाइस एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है। राइट मिडफील्ड के साथ साथ लेफ्ट मिडफील्ड और दोनों विंग पर भी खेल सकते हैं। उसके बाद गाइस जो पांचवा फॉरेनर है नॉर्थ ईस्ट टोरंटो एफसी का, वो है एक आइडियल नंबर 9, 36 ईयर्स ओल्ड इंग्लिश स्ट्राइकर मैट डर्विशायर, जो ग्रीस एंड इंग्लैंड के अंदर काफी सक्सेसफुल थे। सिटी यूनाइटेड, विगन एंड न्यूकैसल जैसे क्लबों के खिलाफ इनका 10 प्रीमियर लीग गोल भी है। साथ में इंग्लिश चैंपियनशिप में भी खेल चुका है। ऑस्ट्रेलियन ए लीग के अंदर इन्होंने मकारथुर एफसी के लिए 27 मैचों में 5 असिस्ट के साथ 14 गोल स्कोर किया था। साइप्रस फास्टर लीग में ये 2 टाइम कंसेक्यूटिव टॉप स्कोरर था, जहां इनका 5 सीजन में 68 गोल है। साथ में यूएफए चैंपियंस लीग में भी ये 2 मैचेस ओलंपियाकोस जैसे क्लबों के लिए खेला था। तो मैट डर्विशायर गाइस एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइकर है, जो कि अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट टोरंटो एफसी का एक गोल मशीन बन सकते हैं। हालांकि एज थोड़ा ज्यादा है, बट डर्विशायर जैसे क्वालिटी प्लेयर के लिए एज बस एक नंबर के अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। और इस बात का प्रॉपर एग्जांपल है बार्थ ओगबेचे एंड इगोर एंगुलो जैसे खिलाड़ी। सो गाइस अब देखना इंटरेस्टेड होगा कि क्या मैट डर्विशायर नॉर्थ ईस्ट टोरंटो एफसी के लिए वो कर सकते हैं जो उन्होंने साइप्रस के अंदर किया था। एंड गाइस आखिरी जो फॉरेन साइनिंग है नॉर्थ ईस्ट टोरंटो एफसी का, वो है एक 32 ईयर्स ओल्ड फॉर्मर नाइजीरियन इंटरनेशनल स्ट्राइकर सिल्वेस्टर इमेका एगबाउन। काफी वर्सेटाइल प्लेयर है, सेंटर फॉरवर्ड के अलावा ये एज ए सेकंड स्ट्राइकर और दोनों विंग में भी खेल सकते हैं। एंड इन्होंने गाइस अपना क्लब करियर डेनमार्क और रशिया के अंदर बिताया है। रशियन फास्टर लीग के अंदर 158 मैचों में 11 असिस्ट के साथ 28 गोल और डेनिश टॉप डिविजन लीग में 25 असिस्ट के साथ 41 गोल इन्होंने स्कोर किया था इन 147 अपीयरेंस।
फ्रेंड्स। इसके अलावा यूरोपा लीग क्वालिफाइंग, डेनिश डोमेस्टिक कप और रशियन कप के अंदर भी इन्होंने खेला है। यूरोपा लीग में भी एफसी मिड्सलैंड के लिए इनका 4 मैचों में 2 गोल है। और साथ में गाइस इंटरनेशनल करियर के अंदर भी इन्होंने नाइजीरियन नेशनल टीम की तरफ से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस एंड अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के अंदर 6 मैचेस खेल चुका है। और ये भी गाइस अब अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के अंदर हमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि इन फ्यूचर इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको हमारे इस चैनल पर जानने के लिए मिल जाए। सो साइनिंग आउट गाइस एंड सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।